साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे आपके बीच निकिथामाइड इंजेक्शन। साथियों ये हमारे पास इंजेक्शन है निकिथामाइड इंजेक्शन, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन है और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भावना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कानपुर का बना हुआ है। निकिथामाइड इंजेक्शन इसमें जो है क्या होता है, निकिथामाइड IP 25% इसमें होता है एंड वाटर फॉर इंजेक्शन इज क्वांटिटी सफिशिएंट। ये क्या होता है, सभी मेडिकल स्टोर पे जो है मोस्टली मिल जाता है। जो जेनरिक नेम है निकिथामाइड इंजेक्शन अगर बोल लेंगे तो आराम से मिल जाएगा। इस तरह से एम्प्यूल, कांच के एम्प्यूल में जो है ये आता है एंड दिस इज एमरजेंसी ड्रग। जैसा कि आज हमारी एमरजेंसी ड्यूटी है एंड दिस इज एमरजेंसी ड्रग और ये एमरजेंसी ट्रे में अवेलेबल होता है। बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से इसको दिया जाता है, अदरवाइज इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे निकिथामाइड। निकिथामाइड जो इंजेक्शन है इसका मतलब डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो निकिथामाइड इज ए स्टिमुलेंट। ये क्या होता है, पहले हार्ट के स्टिमुलेंट के लिए मतलब रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो निकिथामाइड इज ए स्टिमुलेंट विच मेनली अफेक्ट द रिस्पिरेटरी साइकिल, रिस्पिरेटरी साइकिल को इफेक्ट करता था। वाइडली नोन बाय इट फार्मर ट्रेड इन कोरामाइन, पहले इसको फार्मर जो ट्रेड नेम था उसको कोरामाइन के नाम से जानते थे एंड इट वॉज यूज इन मिड 20th century। इसको जो है मिड 20th century में इस्तेमाल करते थे एज ए मेडिकल काउंटर मीजर अगेंस्ट ट्रैंक्विलाइजर एंड ओवरडोज। जैसे ट्रैंक्विलाइजर और ओवरडोज दवाई का होता था उसमें इसका इस्तेमाल बहुत पहले होता था। एंड बिफोर द एडवेंट ऑफ इंडोट्रेकियल इंटूबेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर लंग एक्सप्रेशन उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो मोटा मोटी ये देखते हैं ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉनिक रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है अगर किसी मरीज को इमरजेंसी में आता है तो डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड निकिथामाइड आल्सो यूज्ड इन रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट, रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्रॉनिक डिजीज, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज है डॉक्टर की सलाह से वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है जो एक्सपर्ट डॉक्टर है। एंड फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है या किसी तरह की दवा का एडवर्स इफेक्ट हो गया है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इज थेरेप्टिक यूज एंड ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है शरीर के अंदर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड ड्रग इफेक्ट होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इज CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट की दवाई है ये। एंड बारबिचुरेट जो होता है और वो ओवरडोज जब हो जाता है किसी ह्यूमन पर्सन के साथ मरीज के अंदर तो उसमें जो है इसका निकिथामाइड इंजेक्शन का डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल किया जाता है। एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर हो जाता है, रिस्पिरेटरी का डिप्रेशन है ड्यू टू सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अगर किसी मरीज को बहुत सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों यूज के बारे में हमने बताया, रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट है, क्रॉनिक रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में इस्तेमाल किया जाता है एंड क्रॉनिक डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम में इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्स इफेक्ट एंड थेरेप्टिक यूज एंड ऑक्सीजन कंजप्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग इफेक्ट हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है एंड CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड बारबिचुरेट अगर ओवरडोज होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों इसके बहुत सारे से यूज हैं बट एक्सपर्ट की डॉक्टर की सलाह से ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस इज एमरजेंसी ड्रग। तो साथियों ये कांच के एम्प्यूल में है, सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा निकिथामाइड के नाम से एंड साथ ही साथ से बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको बनाती हैं, जैसे निका केयर, ये एडवा केयर करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है निका केयर के नाम से बनाती है एंड
निकिता क्योर, क्योर लैबोरेटरीज है वो इसको बनाती है। तो इस तरह से बहुत सी कंपनी है साथियों। साथ ही साथ इसके हम डोज की बात करेंगे तो क्या है, 1 और 2 ml, मतलब 1 और 2 ml जो है एडल्ट डोज जो है, एक एडल्ट पर्सन को अगर किसी इस तरह की जो हमने बताया है यूजेस उसके अगर मतलब उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें क्या होता है, 1 और 2 ml जो है एक से लेके दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल होगा। और बच्चों में होता है 0.1 to 0.75 ml, 1 से 3 बार दिन में इस्तेमाल होगा। और साथियों ये IM इंट्रामस्कुलर और IV यूज होता है एंड सबकुटेनियस यूज ओनली। सबकुटेनियस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इंट्रामस्कुलर IM एंड IV यूज होता है। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट के बारे में साथियों बात करेंगे। जैसे इसको लगाने से क्या होता है, शरीर में देखा गया है मरीज के इचिंग होने लगती है, इचिंग होती है, फ्लसिंग, स्वेटिंग, पसीना बहुत बहने लगता है, खांसी आने लगती है, नोजिया, वोमिटिंग हो जाता है एंड मसल ट्विचिंग एंड कन्वुल्यूजन्स हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट है। एंड कंट्राइंडिकेशन इसका जो है, जैसे एपिलेप्सी की बीमारी है उसमें इसको इस्तेमाल नहीं करना है मरीज अगर बताता है अपना। एंड सीवियर हाइपरटेंशन है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और हार्ट प्रॉब्लम है किसी तरह की, इस्टिमिक पेन होता है हार्ट में या किसी तरह की प्रॉब्लम है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो साथियों इसी तरह से कोई भी क्वेरी अगर है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और इसी के साथ हम विराम करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।